मैं कह रही हूँ ना तू सुबह चले जाएगा, पर तू अभी मत जाओ बेटा, बहुत रात है, जमाना खराब नहीं है, आपकी सोच खराब है, तुम घुटते मेरे इस घर में, मैं जा रही हूँ। छोटी बेटी तेरी चंडी में ना सुसु करते हुए देखा है तुझे मैंने। मम्मा ओहो कितना लड़ोगी, चलो जल्दी से खाना खाओ। वैसे आज सूट पहन लिया, सेक्सी लग रही हो वैसे। मैं कह रही हूँ लड़के वालों को आज बुला लूँ क्या? अरे ये पराठा तो खाती जा, रोल करके खा लियो। इतना घी लगाओगी ना कोई लड़का नहीं पसंद करने वाला। अरे सोनी तो ये तो खाती जा, चल छोड़ तू ही खा ले। यार जल्दी चल, आज तो लेट भी हो गए। नया लड़का है ऑफिस में, तो शादी करा दे मेरी। क्या नया बॉस है? छोड़ ना, जल्दी आजा, चल जल्दी लेट हो गए। लड़कियों की बस की ऑफिस का काम करना नहीं है मिश्रा जी, वो तो सिर्फ ग्लैमर ऐड करने के लिए होती हैं। सर फाइल ले आओ। आपका भी बस खड़ूस है क्या? अगर हाँ ना तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। व्हाट आई मीन रख दो। वैसे खाने में क्या बनाओ? कुछ भी की सब्जी चलेगी क्या तुमको? क्या मम्मी बना लो ना जो भी पड़ा है। अपनी मर्जी से कुछ भी बना लूंगी ना, पर तुम लोग खाते नहीं हो। अरे बोला ना जो पड़ा है बना लो ना। अरे बता ना क्या बनाओ, मुझे खाना ही नहीं है। ये ले खाना खा। और बताओ ऑफिस में क्या बात हुई है? आपको तो सब पता है, माता सीसीटीवी देवी हो ना। सो तो हूँ मैं। कुछ नहीं, वो क्रीप सा बॉस आया है, ज्यादा ही बन रहा था, पर मैंने भी बता दिया उस आदि को। आदि ओहो आदि वेट्स कंचन, क्या जोड़ी है बॉस। तू चुप रह, वो मेरे टाइप का नहीं है। सो तो तुम्हारे पापा भी मेरे टाइप के नहीं थे। जरा ध्यान से, कहीं प्यार ना हो जाए। चुप, ये सब कराने के लिए नहीं इसको लोन लेके मैंने इंजीनियरिंग कराई है। हाँ गिना लो, जैसे बाकी की फैमिली तो अपनी बेटियों को पढ़ाते ही नहीं है। वैसे क्या खाना बना है? ये ले तेरी प्यारी भिंडी बनी है। वैसे आदि और कंचन वैसे लड़की हंसी तो फंसी। हाँ कंचन वो प्रेजेंटेशन ले आओ। ये सब प्यारा कलर है कुर्ती का। सर प्रेजेंटेशन हाँ सही है, अच्छा है, गुड। यार कितना तीखा है, पागल है, कहाँ मीठा चलता है? मीठा तो है। चलो ड्रॉप कर देता हूँ। ओके चले। चलो कल मिलते हैं।
बाय। हाँ ओके बाय। किसके साथ आई है? किसी के साथ भी तो नहीं। अच्छा वो रेड कार किसकी थी? रेड कार होंडा की होगी। वो बॉस है ना, वो घर के पास ही रहते हैं। उन्होंने कहा छोड़ दूँ। मैंने कहा ठीक है। पैसे हैं ना तुम्हारे पास? तो कल से ऑटो लेके आना। पता नहीं उतरते हुए कितने पड़ोसियों ने देखा होगा। कल चार बात करेंगे 100 अलग। ओहो मुझे लगा मेरी फिक्र हो रही है। ऐसा है ना, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया ना कल से ऑटो से आना मतलब आना। आऊंगी कार में, आऊंगी कार में बैठकर आ रही हूं, गोदी में थोड़ी ना। क्या दीदी? दीदी 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 कल मेरा ना एग्जाम में ही क्वेश्चन नहीं आ रहा, फिर रुक जाऊंगी। प्लीज बता दो ना। चल देखा बचा लिया ना। चल। हेलो सरिता। अरे भाभी मैं बस तुम्हें ही फोन करने वाली थी। क्यों? क्या बताऊं भाभी, बेटी ने नाक में दम करके रखा है। कल फोन मिला उसके बैग से। अच्छा कोई नहीं, फोन ही तो है, इस उम्र में कितना रोकेगी उसको। फोन में चैट थी, न्यूड पिक मांग रहा था कमीना। मैं कल आके समझाती हूँ ना, तू चिंता बिल्कुल मत कर, अपनी बच्ची है समझ जाएगी। भाभी भैया ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, फिर भी तुम कितना सोचती हो हमारे लिए। वैसे कल कितने बजे आओगी? टाइम से याद आया मुझे, सब्जी लेने जाना था, खाना बनाना है। सही तो मैं बाद में फोन करती तेरे को। बाय। कंचन खाने में क्या बनाऊं? मीटिंग में बहुत बिजी हूँ, अब जो बनाना है बना लो यार, मैं खा कर आऊँ। ओहो ये लड़की भी ना। का फोन था? अरे कुछ नहीं यार, बैंक वाले डिस्टर्ब करते रहते हैं। खाओ तुम। बहन जी देख के चलो थोड़ा। सॉरी भैया। छाता कहाँ है तुम्हारा? थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ, ऑफिस में बहुत काम था। ये काम ही तो समझ नहीं आ रहा है तुम्हारा। बाहर तो बारिश हो रही थी, तुम भीगे क्यों नहीं? लेट हो रहा था बहुत, तो आदि ने ड्रॉप कर दिया। अच्छा अब बॉस से आदि हो गया वो? हर ऐसा क्या काम था जो इतनी लेट हो गई ऑफिस से तुम? आप नहीं समझोगी, ऑफिस की कभी शक्ल भी देखी आपने? तुमको पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया मैंने, मैं क्यों नहीं समझूंगी? आपके जैसा फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, खुद तो पूरे दिन घर में पड़ी रहती हूँ और मैं सोने जा रही हूँ अब। ऐसा है बता के जा क्या काम था? मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ रही मैं इस घर में, जो हर चीज का जवाब देती रहूं। कहां जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ये क्यों कहना वो क्यों कहना, किसके साथ आई किसके साथ गई, थक चुकी हूँ मैं, मेरा दम घुटता है इस घर में, ऑफिस और घर के बीच में पिस रही हूँ मैं। झूठे मुंह ये तो होता नहीं आपसे कि बेटा खाना खाओगी। मुझे लगा आइसक्रीम और मोमोज से पेट भर गया होगा तुम्हारा। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ और ना ही मैंने कोई जासूसी की है। मुझे तुम पर और अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। पर वो लड़का जो तुम्हारे साथ था, उसकी शक्ल पे लिखा था कि वो एक नंबर का झूठा और मक्कार है। झूठा वो नहीं, झूठी आप और आपकी बातें हैं। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से पापा घर छोड़कर गए हैं। कंचन रुक क्यों गई? कहाँ लेके जा रही है बेटा, इतनी रात हो रही है, कहाँ जा रही है? कहीं भी जाऊँ किसी के भी
साथ जाऊं, मर क्यों ना जाऊं, पर इस घर में नहीं रहूंगी अब। तेरी बात तो सुन बेटा, समाना बहुत खराब है, इतनी रात को कहाँ जा रही है? मैं कह रही हूँ ना, तू सुबह चले जाना, पर तू अभी मत जा बेटा, बहुत रात है वहां। समाना खराब नहीं है, आपकी सोच खराब है। दम घुटने मेरे इस घर में, मैं जा रही हूं। दीदी मम्मी, हम जा क्यों नहीं रही? दीदी को लेने जाओ ना, अभी जाओ ना मम्मी। बेटा कभी कभी रेत को हाथ में पकड़ने के लिए हाथ को कसना नहीं, थोड़ा ढीला छोड़ना होता है। Your call cannot be completed as dialed. Hey guys, तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ये हटके वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो, रिलेटेबल लगा हो, आपके घर में आपकी फ्रेंड के साथ, आपकी बुआ के साथ, बहन के साथ, किसी के साथ भी इस तरीके का कुछ हुआ हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, 10 मिलियन की रेस है तो जल्दी जल्दी 10 मिलियन तक पहुँचाओ, सब्सक्राइब कर दो। और अगर पार्ट टू चाहिए तो क्या करते हैं? कॉमेंट करना है भाई पार्ट टू के लिए। चलो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।